Hi everyone, welcome to my channel. Today in this video I'm going to explain you chapter 37, and the name of this chapter is Ryokan and the Star Fish. So let's begin it. यहाँ पर आप लोग स्टार फिश का पिक्चर देख सकते हो, तो इसी के बारे में स्टोरी है. Ryokan was a monk who lived in Japan. Ryokan कौन था? एक monk था, एक साधु था जो कहाँ पर रहता था? जापान में रहता था. तो Ryokan एक monk था जो जापान में रहता था. He was a well-known teacher and a poet and a calligrapher. Well-known means प्रसिद्ध. तो वो एक well-known teacher, poet and calligrapher था. One day he was walking on the beach. एक दिन वो बीच पर walk कर रहा था. And he saw that hundreds of starfish had been washed ashore in a storm. एक दिन जब वो बीच पर वॉक कर रहा था, तो उसने देखा कि hundreds of starfish means सैकड़ों starfish storm में, मतलब storm means होता है तूफान, तूफान में बहकर किनारे पर आ गए हैं, समुद्र के किनारे पर आ गए थे. The storm had blown over and the starfish were dying in the hot sun. Storm means तूफान थम गया था. Blown over means ख़त्म हो जाना, थम जाना. तो जो तूफान था वो तो थम गया था, और जो starfish थे सूरज की गर्मी में, हॉट सन में, dying मतलब कि मर रहे थे. Ryokan began to pick up the starfish one by one. Ryokan एक एक करके starfish को उठाने लगा. He threw them back in the sea. वह उन starfish को कहाँ पर फेंकने लगा? Sea में, समुद्र में उन starfish को फेंका. What is the use? Said his disciple who was watching Ryokan. इसकी क्या ज़रूरत है? किसने कहा? उसके disciple में ने. Disciple में शिष्य. तो जो उसके disciple थे, जो उसको देख रहे थे कि Ryokan जो है starfish को बीच पर से उठाकर समुद्र में फेंक रहा है, उसको क्या वो बोलते हैं कि what is the use? इसकी क्या ज़रूरत है? There are hundreds of fish dying. सैकड़ों फिश जो हैं मर रहे हैं. Throwing back a few of them will not make any difference. उनमें से कुछ को फेंकने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ये कौन बोलता है? Ryokan के डिसाइपल में शिष्य ने कहा. Ryokan पिक अप अनदर फिश. Ryokan जो था ना, वो दूसरे स्टार फिश को उठाया. इट विल मेक अ डिफरेंस टू दिस लिटिल फिश, सेड Ryokan थ्रोइंग द फिश बैक इन टू द सी. Ryokan दूसरे स्टार फिश को उठाया और उसे सी में फेंकते हुए कहा कि ये इस छोटे फिश के लिए डिफरेंस लाएगा. कहने का मतलब है कि जब ये पानी में चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, तो इसकी जान बच जाएगी, क्योंकि जो स्टार फिश तूफान के कारण किनारे पर आ गए थे ना, वो सूर्य की गर्मी से क्या हो रहे थे? मर रहे थे. नाउ लेट्स सी द मोरल ऑफ द स्टोरी. व्हेन हेल्प इज नीडेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव व्हाट एवर हेल्प यू कैन गिव. ये क्या कह रहा है कि जब भी हेल्प की ज़रूरत है तो ये महत्वपूर्ण है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपसे हेल्प बनता है वो आपको करना चाहिए. सो फ्रेंड्स, हियर आई एंड दिस स्टोरी. आई होप दैट द वे आई एक्सप्लेन यू, यू अंडरस्टूड. सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी. थैंक यू वेरी मच.